नंदजू के द्वार पर बड़ा सुंदर भगवान का जन्म मना। और नंदजू बड़े प्रसन्न क्यों ना हो भाई, नंदजू वो हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं होती थी, और उन नंदजू के घर में संतान भी हुई और संतान के रूप में भगवान आ गया। जिसके घर में संतान के रूप में भगवान आ जाए वो कितना बड़ा भाग्यशाली, परम भाग्यशाली। नंदजू ने सबसे पहले निर्णय लेके 99,000 गायों का दान किया। अरे ऐसी वैसी गायों का दान नहीं किया, तुम जैसे नहीं है कि कर दिया गैया का दान 99,000, क्या तुम तो दे दो 1,00,000 गैया। पता पड़े सानी चराते चराते आधी जिंदगी निकल गई, लगे ही ना। नंदजू ने इतनी सुंदर गाय को दिया, लगतू गैया को दिया, 99,000 गायों का दान एक सांस में कर दिया। और जब नंदजू ने 99,000 गायों का एक साथ दान कर दिया तब तो नंदजू बैठ गए, बाबा नंदजू करत मुदित मन। अरे साहब ब्रज में ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं। सारा ब्रज भगवान के जन्म में सराबोर है और सारा ब्रज बड़ा भारी प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यथावत रूप से सारा ब्रज भगवान के जन्म में प्रसन्न है। और जब सारा ब्रज भगवान के जन्म में प्रसन्न है तो नंद बाबा भी सबके साथ झूम करके नाच रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे ठुमका लगा रहे हैं। नंद बाबा भूल गए कि मेरी उम्र अभी 80 वर्ष है, ये सब बातें भूल करके नंद बाबा बड़ा भारी ठुमका लगा रहे हैं, लल्ला का जन्म हुआ, मेरे घर पर लल्ला आया है। अब नंदजू का, नंद बाबा जी का मन हुआ कि मैं जाकर के क्यों ना अपने लाला के दर्शन कर लूं। चल पड़े नंद बाबा, चल करके जैसे ही अंदर पहुंचे वैसे वहां की स्त्रियों ने पकड़ करके नंद बाबा को बाहर कर दिया, हटो यहां से, कहां से आ गए, शर्म नहीं आती। नंद बाबा कहते हमें शर्म तो बहुत आती लेकिन हमें लल्ला के अपने दर्शन करने हैं, गोरो है कि कारो है और कैसो है, हम पे गए हो कि किसी और पे गए हो कि यशोदा पे गए हो। वहां की स्त्रियां कहती हैं ऐसे कैसे दर्शन कर लोगे, हम सब तुम्हें बड़ी बूढ़ी नहीं दिखती है, भागो यहां से। अब आज का जमाना थोड़ी है, आज के जमाने में तो लड़का जन्म ले ले तो पापा तुरंत अस्पताल में अंदर घुस करके मम्मी से कहते हैं स्माइल दो। अब बताओ कैसे हंसेगी जिसने अभी अभी बालक को जन्म दिया, जिसने 3,000 बिच्छुओं के बराबर डंक को सहा तब जाकर के बालक का जन्म हुआ, अब तुम कह रहे हंसो। तुरंत डाल ले आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले के जमाने में अगर बालक जन्म ले लेता था तो उसका पिता कभी उसको नहीं छूता था, अपितु उसके दादा दादी उसको लेकर के आते थे। और आज के जमाने में, आज के जमाने में तो ठीक ही है, पत्नी ने तो बच्चन का छुओ ही बंद कर दो। अब आजकल तो पति ही लाए फिर संगे पुंथनिया लाए रथ की, जितने मुद्द होते ही चढ़ा दी पुंथनिया। कितने साजो कोट पेंट पहने होए और अगर उन्हें मई के वही अगर सुसु कर ली तो बस गड़बड़ है गए। पहले का जमाना बहुत अच्छा था, आजकल तो कह नहीं साहब, आजकल की मम्मी नहीं करती बच्चों की ज्यादा सेवा, नहीं मैं नहीं करूंगी, हट जाओ यहाँ से, तुम कह रहे हो तुम्हारा बच्चा, अभी मैं बूढ़ी थोड़ी हुई अभी तो स्मार्ट। शादी में जाएंगी, शादी में जाएंगी तो सबसे पहले खुद सच के जाएंगी, भयंकर साहब इतना पोतना पोतेंगी ऐसे लगेगा जैसे माताई जी सबका छू, और इतने वजन में जाएंगी कि 2-4 हार पड़ोसियों के मंगा के ले जाएंगी कि हटे तो हटे लेके पहुंची सन्ना घटे, और बच्चे को बालक को उसके माता पिता को दे देंगे, लो पिता को दे देंगे, संभालो इसको, अभी मैं बूढ़ी थोड़ी हुई जो इसको लेकर के जाऊंगी, मेरी इतनी सारी सहेलियां हैं, सब सहेली बैठी हुई हैं, वो जाकर के देखेंगी तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी, सब अपनी अपनी इज्जत अपनी इंसल्ट को डरेंगी। भैया धन्य है नंद बाबा, लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन लल्ला के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए, बड़े परेशान हैं नंद बाबा बेचारे। अब जब नंद बाबा को भगा दिया, भागो यहां से, तो दुखी मन करके लौट करके भागा है। और सुनो भग करके पंडित जी के पास पहुंच गए, क्योंकि पंडित जी ने पूजन विस्तार दिया। अच्छा कोगी के तुम गुस्सा ना बजे, वो पंडित जी पे बजा। नंद बाबा बैठ गए, पंडित जी के श्री चढ़ाओ सुबह सिंदूर चढ़ा दे, अबे का सिंदूर चढ़ाओ सुबह घी चढ़ा दे, अबे का घी चढ़ाओ।
बे कहे घी चढ़ाओ, सुगी की जगह सहज चढ़ा दे रहे। सबरे सब परेशान हो भैया आनंद बाबा, तेरी महिमा तो अपरंपार है, मेरी समस्या तो परे है भैया, मुझे तो समझ नहीं आती क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है तेरा मन स्थाई ही नहीं है। सबरे ब्राह्मण देवता कहते हैं एक काम करो नंद बाबा, तुम तो संकल्प दो और चलते बनो। नंद बाबा ने संकल्प दिया और संकल्प दे करके नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन में पहुंच करके नंद बाबा ने सभी लोगों को बैठा ला, बोले यार हमारा तो दिमाग खराब है, मन ही नहीं लग रहा। सबने पूछा भैया क्यों मन नहीं लग रहा? अरे बोले अब क्या बताएं, क्या कहें, समस्या परे है। बोले क्यों? बोले इसलिए समस्या परे है कि लल्ला के दर्शन ही नहीं हो पा रहे। सबने कहा तेरे का नंद बाबा, यहाँ की सब स्त्रियां तुम्हें जानती हैं, पहचानती हैं और समझती हैं, सभी स्त्रियां तुम्हें समझती हैं, एक काम तुम करो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले क्या करो? बोले नंद बाबा तुम अपने भेष को दूसरे रूप में धारण कर लो, बढ़िया डाई आई करके बढ़िया चिकने चापते हो जाओ। नंद बाबा बढ़िया टक टाक के हो गए, बड़े सुंदर सज गए, और सज करके नंद बाबा कहाँ चल पड़े? बोले सज करके नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने के लिए चल पड़े। ब्रज की जितनी गोपियां थी, गोपियों ने नंद बाबा को सजा हुआ देखा तो एक गोपी को शक हो गया, बोले गोपी मुझे तो ऐसा लगता है ये सजा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं है, ये तो नंद बाबा है। दूसरी गोपी बोली बिल्कुल सही कहा, यही नंद बाबा है, और ये भेष धारण करके आया है, ये दूसरे भेष में आया है। गोपी को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध में आकर के मटकी में से घी निकाल करके गोपी ने मिला करके एक सांस में नंद बाबा के मुंह पर मार दिया। जब गोपी ने नंद बाबा के मुंह पर दही को मारा तो नंद बाबा को भी अत्यंत क्रोध आ गया, चोरे दादी की मेरे ऊपर दही मारा। नंद बाबा ने भी गुस्से में आकर के मटकी में से दही निकाल करके गोपी के ऊपर प्रहार कर दिया। अब गोपियां नंद बाबा को दही का प्रहार कर रहे हैं और नंद बाबा गोपियों को दही का प्रहार कर रहे हैं, बिना होली के होली खिल गई। नंद बाबा ने कमर में बांधी ढोलक, और ढोलक को बांध करके नंद बाबा बजाते हुए रुदन करते हुए एक सांस में नंद भवन के अंदर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा नंद भवन के अंदर पहुंचे, वैसे कहा जाता है नंद बाबा ने सामने अपने लल्ला के दर्शन कर लिए, और लल्ला ऐसे नहीं दिख रहे थे, इतने दुर्लभ, इतने प्यारे, इतने सुंदर, आहा जगत के पति जगन्नाथ, इतने सुंदर, इतने सुंदर देख करके मन ललचा रहा था, मन प्रसन्न था। नंद बाबा ने लल्ला को देखा तो मानो नंद बाबा की वहीं पर समाधि सी लग गई हो। कस्तूरी का तिलक लगाए, बोले कहाँ लगाए? बोले ललाट पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान का शरीर ऐसा लग रहा है कि मानो कंकड़ मारो तो अपने आप शरीर में से पिघलापन आ जाए, इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं, बड़े सुंदर भगवान लग रहे हैं। और भगवान को देख करके नंद बाबा की मानो समाधि लग गई। भगवान को देख करके नंद बाबा देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे, देख भगवान इतने अच्छे ही लग रहे थे कि उन्हें देखे जा रहे, इतने प्यारे ही लग रहे हैं भगवान, उनको नंद बाबा देखे ही जा रहे हैं। देखते 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 नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए। सभी गोपियों ने पकड़ करके नंद बाबा को हिलाया, हे नंद बाबा पागल है गए का? नंद बाबा ने पूछा क्यों? हम तो पागल नहीं है, पागल तुम्हें ही आ गई होगी। अरे नहीं नहीं नंद बाबा, लल्ला को देखे जा रहे हो, इतने छोटे से लल्ला को क्या किसी की नजर लगा दोगे क्या? तुरंत गोपियों ने नंद बाबा को भगाया और लल्ला की नजर उतारने लगी। इतने सुंदर भगवान दिख रहे हैं कि भगवान को किसी की नजर ना लग जाए, वहां की गोपियां कहती हैं भगवान को बड़ा सुंदर सुरमा लगा है, और सुरमे में भगवान प्रसन्न चित्त रूप में धारण है, और भगवान उसी सुरमे में विराजमान है, इतने सुंदर भगवान दिख रहे हैं।
कहा जाता है कि माता यशोदा तीन तीन टाइम तक भगवान की नजर उतारती। अरे भैया क्यों ना उतारे, जैसे तैसे लल्ला का जन्म हुआ, जैसे तैसे लल्ला व्रज में आया। पहली बात तो यशोदा के सबने कह दिया था कि कोई संतान नहीं होगी, जिसके घर में साहब कोई संतान होने की उम्मीद ना हो और उसके घर में संतान हो जाए, पहली बात। और दूसरा टॉपिक, संतान के रूप में जिस घर में स्वयं भगवान पधार जाए वो बड़ा गुणगान घर हो जाता है।